पानी अब सर से ऊपर निकल चुका है। 90s में भी हमारे पेरेंट्स ने ये सहा था, अब हम ये नहीं सहेंगे। ये हमेशा का चलता आया है कश्मीर में। हमारे पेरेंट्स भी मजबूर थे हमें यहाँ भेजने के लिए, बट हम जॉब में जो मजबूरी थी, हम जॉब के लिए यहाँ पे आए हैं। बट अब जो कत्लेआम हो रहा है, दिन दहाड़े ऑफिसों में घुस के अपनी सीट पे लोगों को मारा जा रहा है, ये बिल्कुल ही हम इसका खंडन करते हैं। हम बिल्कुल ये मानेंगे नहीं, और ये प्रोटेस्ट हमेशा चलता रहेगा। ये चलता रहेगा जब तक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डिमांड्स मान नहीं लेती। और हमेशा हमारा कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ एक डिमांड है, वो रिलोकेशन। चाहे जम्मू कहीं भी, सेफर प्लेस कश्मीर से छोड़कर कहीं भी हम रिलोकेट होना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले एक साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।